नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। वैसे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आप देखोगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है, वो सब एडजस्टमेंट अगर आपके क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है तो किस तरह आप उसकी पोस्टिंग करोगे। और ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो पोस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, एट द सेम टाइम वही पोस्टिंग आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वही उसी जो आपके टेक्स्ट बुक में जो पोस्टिंग की गई है उसका कटिंग भी मैं मेरे हर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा, सो दैट मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू कैन रिलाई वॉट एवर आई सजेस्ट यू। तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरह देख लो और ईच एंड एवरी रूल को समझ लो, और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके कॉलेज में या आपका कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हो जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई टेस्ट आपको देना है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। सो वन बाय वन, सब्सक्रिप्शन अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या करना है, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में है, इफ़ इट इज़ गिवन इन अ लास्ट ईयर बैलेंस शीट, तो किस तरह उसका पोस्टिंग किया जाता है, ये स्पेशली आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखो, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, एंड सेकेंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। मतलब अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन आपका ये जो रिसिप्ट में आपको दिख रहा है उस सब्सक्रिप्शन में कुछ प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर का अगले साल का सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर्स ने एडवांस में ऑर्गेनाइजेशन में पे किया है, तो उसका एंट्री किस तरह करना है। एंड एट द सेम टाइम इफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो उसे किस तरह पोस्ट किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लाऊंगा, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड मैं जो आपको बता रहा हूं वो उस पर आपको कितना रिलाय होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको आपके ही टेक्स्ट बुक की कुछ कटिंग जो सॉल्यूशन है, कटिंग प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो लेट्स सी। देखिए, इस प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन इज गिवन 1,05,000, और नीचे एडजस्टमेंट में देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ₹5,000। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरह का अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट पूछा जाता है तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपका बैलेंस शीट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 1,05,000, ऑब्वियसली वो पहले इनकम में लिखेंगे हम। देन टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,000 रिसीव्ड इन एडवांस। सो एडवांस का मतलब होता है, जैसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस को कहा जाता है प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। मतलब आपके ही कुछ ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आपको पे करके रखा है। सो ऑब्वियसली जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हम किसी भी एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं, उसी तरह ये प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम इस 1,05,000 में से माइनस करेंगे 3,000। सो 1,05,000 माइनस 3,000, और ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री करना होगा। तो जिस तरह देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड एंट्री हम करते हैं नॉर्मली असेट साइड में, ओके, उसी तरह ये जो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है इसका सेकेंड एंट्री होता है लाइबिलिटी में। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लाइबिलिटी में क्यों होता है, इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में क्यों जाएगा। सी, आपके कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन, फ्यूचर का मेंबरशिप का पैसा
आपको अभी दे के रखा है, तो जब तक वो फ्यूचर का डेट नहीं आता तब तक वो पे किया हुआ वो मेंबरशिप फी, वो सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? कल को अगर वो मेंबर, वो टाइम जिस टाइम का उसने वो सब्सक्रिप्शन पे करके रखा है, अगर उससे पहले ही वो आता है कि मुझे, मैंने जो एडवांस पे करके रखा है मुझे वापस दे दो, तो आपको उसे देना होगा, बिकॉज उन्हें फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन वो आपको दे के रख रहा है, तो ये आपके फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गया। इसलिए हम इसका सेकेंड एंट्री आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे, दैट इज प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन 3,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। तो ये रूल समझ लो कि अगर कोई फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में पे करके रखता है, तो नंबर वन इनकम में जब हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है तो ऑब्वियसली करंट ईयर में हम उसे शो नहीं कर सकते, और इसका सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी में इसलिए करेंगे क्योंकि ये तब तक हम पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे लाइबिलिटी है जब तक वो फ्यूचर का डेट नहीं आता। अब देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, एंड दैट सेकेंड एडजस्टमेंट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये तो आपको पता है, मैंने आपको जितने प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेन किए हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट हमने देखा है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब आपके कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन का पैसा पे नहीं किया है। सो एज यू नो, हम आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं। सो 5,000 ऐड करने के बाद आउटर में आ जाएगा 1,07,000, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी से तो पैसा आना बाकी है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए असेट हो गया। देखो, जिस तरह किसी का तो पैसा देना बाकी है, ये लाइबिलिटी होता है, उसी तरह किसी से तो पैसा आना बाकी है, ये हमारे लिए असेट हो गया, और इसलिए इसका सेकेंड एंट्री हम असेट में करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये जो एक्सप्लेन किया कि प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यही पोस्टिंग इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए गए, वो देखते हैं। देखिए, एक प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, या आपके टेक्स्ट बुक में, जो गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, उसके सॉल्यूशन में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन है, सॉल्यूशन भी मैंने देखो, उसका क्वेश्चन लेफ्ट साइड में है और आंसर राइट साइड में है। सो इफ यू सी द सेकेंड एडजस्टमेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1,000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब 1,000 जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, देखो जिस तरह मैंने आपको पोस्टिंग बताई उसी तरह ये 1,000 सबसे पहले देखिए आपके इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन में से माइनस किया, देखिए मैंने एरो किया उसके लिए, ये बॉक्स है देखो, और इसका सेकेंड एंट्री देखिए लाइबिलिटी में है, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसी तरह आउटस्टैंडिंग देखिए, वही सेकेंड एडजस्टमेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। क्या किया देखो, पहले ये वो आपका एडजस्टमेंट देखिए आउटस्टैंडिंग, अगर आप इनकम में देखोगे 500 प्लस किया है, और अगर आप उसका सेकेंड इफेक्ट देखोगे तो देखो असेट में, दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। सो इसी तरह सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी रूल है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसका प्रूफ देने के लिए मैं आपके टेक्स्ट बुक के कुछ कटिंग आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो मैंने पहले दो रूल बता दिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट एंड प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, उसका क्या इफेक्ट देना है। मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्या देखिए, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन, दिस टाइम गिवन इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट। यस, अगेन एडवांस सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जैसे इससे पहले मैंने बताया वो एडजस्टमेंट में दिया था, लेकिन अभी ये जो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया होगा, तो ऐसे वक्त में क्या करना है। और सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन फीस आर गिवन। इसी तरह प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में आपको ये भी बताया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर हैं, और एक मेंबर
सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में भरने वाला है। तो अगर इस तरह का एडजस्टमेंट आता है तो क्या करना है, देखिए सेवन प्रॉब्लम, बैलेंस शीट दिया है पिछले साल का और रिसिप्ट और पेमेंट है करंट ईयर का। लास्ट ईयर के देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2000 रुपीज़, और रिसिप्ट और पेमेंट में रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन है दैट इज 41,800। एंड इफ यू रीड केयरफुली द फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज लाइब्रेरी हैड 500 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी में टोटल 500 मेंबर है और एक मेंबर ₹100 अपना सब्सक्रिप्शन पे करता है। लेट्स सी इसका पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया एंड बैलेंस शीट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का 41,800 हमें दिया है, पहले उसका पोस्टिंग करते हैं। नाउ पहले ये बात समझ लो कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 500 मेंबर्स है और हर एक मेंबर एवरी मेंबर पे करता है ₹100। इसका मतलब 500 × 100 इनके ऑर्गेनाइजेशन में इनकम कॉलम में सब्सक्रिप्शन का आउटर साइड में 50,000 अमाउंट आना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग 50,000, लेट सी। ये पहले एडजस्टमेंट को अंडरलाइन कर लिया मैंने। देखो 500 मेंबर इनटू 100 तो टोटल 50,000 का कलेक्शन होना चाहिए। तो जब भी किसी भी प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट में द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन इज गिवन, तो ये हमेशा याद रखो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर होगा वो आंसर आपके इनकम के आउटर कॉलम में लिखना ज़रूरी है। सो 500 मेंबर्स पेइंग ₹100 ईच, इट मीन्स आपके इनकम के आउटर में 50,000 आना ही चाहिए। तो ये तो मैंने पहला एडजस्टमेंट का पोस्टिंग कर दिया। अब देखते हैं पिछले साल के बैलेंस शीट में आपको प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन दिया है, करंट ईयर एडजस्टमेंट में दिया तो क्या करना है मैंने आपको इससे पहले बता दिया। आप देखिए पिछले साल के बैलेंस शीट में अगर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन दिया है तो क्या करना है। जैसे एक 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप किसी क्लासेस में जाते हो और आजकल ऐसा फैशन है क्लासेस में कि आप 11th 12th का कंबाइंड पैकेज लेते हो। सपोज 11th का फी 15,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 12th का फी 20,000, तो 35,000 का आपने पैकेज ले लिया। सो जब आप 11th में आपने एडमिशन लिया तभी आपने पूरा 35,000 पे कर दिया, तो वो जो 15,000 आपने 11th का पे किया है वो तो करंट ईयर का हो गया, लेकिन जो 20,000 आपने पे किया है वो अगले साल का हो गया। तो जब आप 11th में हो तब तक वो आपका प्रीपेड है, क्योंकि आप अभी 11th में हो और आपने 12th का पैसा भर के रखा है। लेकिन जब आप 12th में चले जाओगे तब तो वो करंट ईयर का हो जाएगा। जब तक आप 11th में हो तब तक वो प्रीपेड है, लेकिन एक बार आप 12th में चले गए तो वो करंट ईयर का हो जाएगा। उसी तरह देखिए पिछले साल के बैलेंस शीट में जो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन दिया है वो पिछले साल तक प्री रिसीव है, लेकिन अभी ये साल आ गया तो इस साल में हम उसको करंट का सब्सक्रिप्शन मानेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सुनो, प्री रिसीव नॉर्मली हम माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि वो पिछले साल का है तो हम उसे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ये एक चीज़ मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। देखो जो भी आप करंट ईयर एडजस्टमेंट के साथ नॉर्मली ट्रीट करते हो, पिछले साल का अगर वही एडजस्टमेंट होगा तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट करोगे। जैसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, सो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हम लेस करेंगे। करंट ईयर प्रीपेड या प्री रिसीव हम लेस करते हैं, लास्ट ईयर प्रीपेड या प्री रिसीव हम ऐड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, ये तो आपको पहले से पता होगा कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन
अगर वो एडजस्टमेंट पिछले साल से रिलेटेड है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, आपको सेकेंड एंट्री पास नहीं करना है। ये दो रूल अच्छी तरह समझ लो। रूल नंबर वन, जो ट्रीटमेंट आप करंट ईयर के साथ करते हो वही ट्रीटमेंट अगर वो एक्सपेंसेस या इनकम पिछले साल से रिलेटेड है तो ऑपोजिट करोगे। मतलब अगर आप आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो प्लस करते हो, फिर वेदर इट इज एक्सपेंसेस और इनकम तो वही आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का है तो आप लेस करोगे, वेदर इट इज इनकम और एक्सपेंडिचर। सेम करंट ईयर प्रीपेड हम माइनस करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होने दो या प्री रिसीव इनकम होने दो, लेकिन अगर वो पिछले साल का प्री रिसीव या प्रीपेड होगा तो हम उसे ऐड करेंगे। तो देखिए एंट्री, मैं ऐड कर रहा हूँ उसे और वो होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। ऐड करने के बाद देखिए हो गया 43,800। ओके, अब देखते हैं कि अभी इनर कॉलम में तो 43,800 आ गया बट आउटर कॉलम में 50,000 है। नाउ अब इसके साथ क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली जो भी डिफरेंस है वही मुझे इधर लिखना होगा तो ही मेरे आउटर में 50,000 आएगा। सी कम अगेन, देखो 41,800 हमारा सब्सक्रिप्शन है, हमने उसमें ये जो सब आपका पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया हुआ प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन को उसके हमने ऐड कर दिया। नॉर्मली अगर करंट ईयर का है तो हम लेस करते, लेकिन पिछले साल का है तो ऐड करना चाहिए, हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा टोटल आया है 43,800, लेकिन आउटर में तो 50,000 है। तो अब इधर मुझे क्या लिखना चाहिए, कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए सो दैट मेरा ये कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगा? तो क्या करना है, देखो सिंपली 50,000 माइनस 43,800 अगर मैं करता हूँ सो आई विल गेट 6,200। तो अब इधर मुझे 6,200 ऐड करना ज़रूरी है और वो मैं ऐड करूँगा और उसे मैं कहूँगा ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। नाउ व्हाई आई एम सेइंग करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए इस फर्म में टोटल 500 मेंबर्स थे और एक मेंबर 100 रुपीज़ पे कर रहा था, इसका मतलब टोटल 50,000 इनके पास जमा होना चाहिए। बट पिछले साल का ये प्री रिसीव ऐड करने के बाद भी इनके पास टोटल सब्सक्रिप्शन जमा हुआ है 43,800, इसका मतलब अभी भी 6,200 सब्सक्रिप्शन जमा होना बाकी है, आना बाकी है। तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एज यू नो पिछले साल का जो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है उसका सेकेंड एंट्री तो नहीं होगा क्योंकि वो पिछले साल का है, लेकिन ये जो करंट ईयर का अभी मैंने जो 6,200 का पोस्टिंग किया है उसका सेकेंड एंट्री जाएगा असेट में, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,200। तो अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, चलो देखते हैं आप ही के टेक्स्ट बुक में एक सॉल्यूशन है, उधर जाके देखते हैं क्या किस तरह ये सॉल्व किया। देखिए ये पहले क्वेश्चन आपके लेफ्ट में और ये राइट में आंसर। सो इफ यू सी केयरफुली, सी पहले तो आपका मेंबर्स कितना है, देखो सब्सक्रिप्शन है 1,80,000 रिसिप्ट में, तो 1,80,000 पहले लिख दिया। देखो इनकम में मैंने एरो किया, 1,80,000 इनकम में लिख दिया है, लेकिन अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट आपको बता रहा है दैट लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। मतलब इस लाइब्रेरी में टोटल 2,000 मेंबर हैं और एक मेंबर अगर ₹100 पे करता है तो टोटल जमा होने चाहिए 2 लाख रुपीज़। देखिए 2 लाख उधर लिखे हैं आउटर में, 1,80,000 मेरे इनर कॉलम में है, 2 लाख आउटर में लिख दिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया 2 लाख आउटर में लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में टोटल 2,000 मेंबर हैं, ईच मेंबर इज पेइंग ₹100, इसका मतलब हो गया 2 लाख। तो ये पहले हमने, इससे पहले भी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया तब बताया। अब जाके देखते हैं पिछले साल के बैलेंस शीट में, देखिए आप देखिए लास्ट ईयर बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है 3,000, जैसे कि मैंने आपको बताया इसे हम ऐड करेंगे। तो देखो ऑलरेडी ऐड किया इनकम में, एरो से मैं शो कर रहा हूँ बॉक्स से आपको। देखो अब ये 3,000 ऐड करने के बाद 1,80,000 प्लस 3 1,83,000 हो जाएगा, लेकिन आउटर में तो 2 लाख लिखा है। तो अभी 17,000 किधर से आया, दैट इज 2 लाख माइनस 1,83,000,
you will get this 17,000. This 17,000 is outstanding subscription. Again, why I am saying that this is outstanding? Because total 2,000 member are there, each member paying 100 rupees. It means total collection should be 2 lakh. Only 1,83,000 is collected till the date. It means 17,000 is outstanding. और देखिए इस outstanding का second entry आपको balance sheet के asset में दिखेगा. That is outstanding subscription 17,000. तो जिस तरह मैंने आपको ये दूसरा rule बता दिया, देखो rule number 4 हो गया, 4 rule हो गए हमारे. मैं repeat कर रहा हूँ, सबसे पहला rule प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट मैंने बता दिया. सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट बता दिया. थर्ड, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट. एंड फोर्थ, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन इज गिवन देन हाउ टू फाइंड आउट दैट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये हमारे 4 एडजस्टमेंट हो गए. मूविंग टू नेक्स्ट, अब इस प्रॉब्लम इसमें क्या है देखिए. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दो बार दिया होगा. किधर किधर दिया होगा दो बार देखो, एक तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में होगा एंड रिसिप्ट और पेमेंट में होगा. तो अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, वन इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड अनादर इन रिसिप्ट साइड, देन वॉट टू डू, ये देखेंगे अभी इसमें. और एडवांस सब्सक्रिप्शन मीन्स प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये अभी हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में. सी लास्ट ईयर बैलेंस शीट इज गिवन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 और रिसिप्ट और पेमेंट में आपको दिखेगा 3 अलग अलग सालों का सब्सक्रिप्शन है. करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी है. तो देखो इतने सालों से पढ़ाते समय मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया है ये एडजस्टमेंट समझने के लिए, और वो फॉर्मूला है NIL. दैट NIL का मतलब होता है नील. ये नील वर्ड आपको याद रखना है सो दैट अगर किसी भी रिसिप्ट और पेमेंट में 3 अलग अलग सालों का सब्सक्रिप्शन दिया होगा तो उसका क्या करना है वो आपको याद रहेगा. तो ये नील हमेशा याद रखो. अब इस नील का फुल फॉर्म बता देता हूँ. पहले तो ये नील किधर लिखना है वो समझ लो. ये पहले मैंने कॉलम बना दिया, देखो ये लिखा है मैंने नील, NIL. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस नील. ये मेरा एक शॉर्टकट तरीका है देखो, ये बच्चों को समझने के लिए तो बहुत, अभी तक मैंने जिनको भी पढ़ाया उनको ये बहुत अच्छी तरह याद रह गया, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ इस NIL को कैसे आपको याद रखना है. सी N का मतलब नो एंट्री, मीन्स ये जो लास्ट ईयर का 2018-19 का जो 2-3,000 दिया है उसका नो एंट्री, वो 3,000 आपको किधर भी नहीं लिखना है. तो चलो मैं उसको पहले कट कर देता हूँ. सो 18-19 के सामने N लिखा है मतलब उसका नो एंट्री, किधर भी आप वो 3,000 नहीं लिखोगे. ये हो गया N का फुल फॉर्म नो एंट्री. I का मतलब है इनकम, और एज यू नो दैट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हम इनकम में लिखते हैं. तो ये 36,000 मैंने इनकम में लिख दिया. और L का मतलब है लाइबिलिटी. तो ये जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो एडवांस में हमें मिला है वो है 1,500 और उसके सामने L लिखा है. सो L का मतलब लाइबिलिटी, तो हम उसे शो करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,500. तो आप भी ये NIL याद रखो, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट नो एंट्री, सो N फॉर नो एंट्री. Current year subscription given in receipt, it will be shifted to income, so I. And next year subscription given in receipt, so it will be L, so posted to the liability side. So इस तरह ये NIL हो गया. अब इसके बाद देखते हैं outstanding subscription current year का 2,400, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा. हम उसे add करेंगे पहले, second entry जाएगा हमारा add करने के बाद asset में, that is 2,400 फॉर करंट ईयर. ये भी हो गया. अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको इस प्रॉब्लम में बताने वाला हूँ. देखो लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दो दो बार दिया है और दोनों अलग है. देखो पुराने बैलेंस शीट में देखोगे तो ये है
5000 और रिसिप्ट में देखोगे तो ये है 3000। तो अभी ये भी रूल आपको समझ लेना है कि अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, वंस इन अ प्रीवियस बैलेंस शीट एंड अनादर इन अ रिसिप्ट साइड, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे इसमें 5000 और 3000 का डिफरेंस होगा 2000, सो आपको सिर्फ वो डिफरेंस शो करना है आपके करंट ईयर बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का साल जो भी है वो लिखने के बाद। तो देखिए 5000 और 3000 का डिफरेंस है 2000, तो ये 2000 मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ। 18, 19, 2000, इस तरह टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 4400। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल बताया नंबर वन, दैट इज वेन एवर थ्री डिफरेंट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन एन रिसिप्ट साइड, दैट इज एन आई एल, एन फॉर नो एंट्री, आई फॉर इनकम एंड एल फॉर लाइबिलिटी, और सबका देखो एक एक इफेक्ट हुआ है क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में दिया है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, दैट इज इफ लास्ट ईयर गिवन ट्वाइस, वंस इन अ लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड अनादर इन अ रिसिप्ट कॉलम, यू हैव टू राइट द डिफरेंस ऑफ दैट टू योर असेट साइड। अब यही मैं आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ। देखिए ये भी एक प्रॉब्लम आपके सॉल्व एग्जाम्पल में आपको दिखेगा, ये उसका आंसर है। सो इफ यू सी केयरफुली एनआईएल, देखिए ये एनआईएल आपको इधर भी दिखेगा, तो ये जो 17-18 का 2000 है आपको किधर भी नहीं दिखेगा, तो कट हो गया। देन 18-19 का 45,000 देखो आपको इनकम में दिख रहा है 45,000, ये देखो एरो दिखाया मैंने। देन 19-20 का एल लाइबिलिटी 3000, देखो आपको लाइबिलिटी में 3000 दिख रहा है, ये भी मैंने एरो दिखा दिया। तो इस तरह एनआईएल का पोस्टिंग हो गया। नाउ करंट ईयर थर्ड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 3000 को ऐड किया देखो इनकम साइड में, आउटर में 48,000 आ गया, और 3000 का सेकेंड एंट्री आपको दिखेगा बैलेंस शीट में। और देखिए इस प्रॉब्लम में आप केयरफुली देखिए, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, एक आपके असेट में दिया है और सेकेंड आपके रिसिप्ट में है, दैट इज 8500 एंड 2000। सो इफ आई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8500 एंड 2000, आई विल गेट 6500। और देखिए 6500 आपके असेट में है, मैंने बॉक्स बनाया देखो, और इस तरह आउटर में देखो 9500 है। तो ये और एक सब्सक्रिप्शन का रूल मैंने आपको बता दिया, दैट इज वेन एवर थ्री डिफरेंट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन अ रिसिप्ट कॉलम, आपको किस तरह पोस्टिंग करना है, और जब लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन दो बार दिया होगा, वंस इन अ बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट और रिसिप्ट साइड में, तो उसका क्या करना है। मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन सेम है, लेकिन देखो अभी थोड़ा उसका जगह अलग है, दैट इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस, लेकिन वन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अदर इन एडजस्टमेंट। एक लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट और पेमेंट में है, और दूसरा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में है, तो क्या करना है देखो। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो आपको वैसे भी अभी पता चल गया, तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन सही किधर किधर दिख रहा है, पहले वो समझ लेते। देखो 4000 है आपके रिसिप्ट में, टोटल 54 लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 4000 फॉर 18-19। ये ऊपर का साल क्या है, 31 मार्च 2020 है, और 18-19 का सब्सक्रिप्शन है, मतलब प्रीवियस ईयर का 4000 है। और अगर आप नीचे फर्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे तो देखो असेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ये साल का शुरुआत है, मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग है, जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000 है। सो अगेन दो बार है पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, एक रिसिप्ट में दिया है और एक एडजस्टमेंट में दिया है, और जो रिसिप्ट में दिया है वो क्लियरली उसमें लिखा गया है कि ये जो 54,000 है इसमें 4000 पिछले साल का है। ओके देखो 4000 और 7000 दो बार है, तो चलो अब क्या करना है देखते हैं। पहले तो कॉलम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। सबसे पहले ये 54,000 हम लिख लेते हैं, ओके, और उसमें ये जो 4000 और 7000 दो बार दिया है, तो करना क्या है ठीक से सुनो, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन ट्वाइस बट
वन गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड अनादर गिवन इन एडजस्टमेंट, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है, कम वाला अमाउंट है, जैसे 4000 और 7000 में लोअर अमाउंट है 4000, उसको पहले आपको इस करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में से डिडक्ट करना है। क्यों डिडक्ट करना है? अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम पिछले साल के जो भी ट्रांजैक्शन है उसके साथ ऑपोजिट एक्शन करते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो हम लेस करेंगे। इसलिए हम 4000 पहले लेस करेंगे, लेकिन देखो 4000 7000 इसमें जो छोटा अमाउंट है 4000 वो आपको लेस करना है। लेस करके 50000 आ गया, और अगेन वो रूल तो कंटिन्यू रहेगा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको असेट में लिखना है। तो क्या है दोनों का डिफरेंस? 4000 7000 का डिफरेंस होगा 3000, तो 3000 मैं लिखूंगा असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट साइड, तब हमने जो छोटा अमाउंट है माइनस नहीं किया, तब हमने सिंपली इन दोनों का डिफरेंस है वही सिर्फ असेट में दिखाया। लेकिन अगर एक लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट में दिया है और दूसरा आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो आपका उसका इफेक्ट आपको इनकम में दिखाना होगा। दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे हमारे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में से, और फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो हम शो करेंगे हमारे असेट साइड में। अब मैं दूसरा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, दैट इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, वो तो आपको पता चल गया अभी 2500 हम ऐड करेंगे, और सेकेंड एंट्री जाएगा हमारा असेट में। इस तरह हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 5500। तो ये एक अलग रूल है, दोनों को अच्छी तरह समझ लो। जब पुराने बैलेंस शीट में और रिसिप्ट में दिया है तो क्या करना है, और जब रिसिप्ट में और एडजस्टमेंट में दिया है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो क्या करना है। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ सॉरी, उससे पहले आपको दिखा दूं, यही आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम में किस तरह बताया गया। देखो, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम है। देखिए, 72000 में 8000 इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर का, और एक आपको प्रीवियस ईयर का नीचे बैलेंस शीट में दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है 10000। तो क्या हो गया, देखो 8000 10000 का डिफरेंस हो गया 2000, तो 2000 बैलेंस शीट में दिखना चाहिए नंबर वन। और इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो करंट में से माइनस होगा, तो देखिए वही किया है इधर भी। ये देखिए 8000 पहले डिडक्ट किया करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में से, और वो जो डिफरेंस 2000 है वो असेट में शो किया है। देन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो 4000 है वो तो आपको पता है ऐड किया है इनकम में, और सेकेंड एंट्री गया है उसका असेट में, टोटल उनका हो गया 2000 प्लस 4000 6000। तो ये भी रूल मैंने आपके टेक्स्ट बुक के साथ मैच करके बता दिया। नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट। देखिए, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ गया, आपको करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया है सब्सक्रिप्शन, और पिछले साल का भी दिया, दोनों एडजस्टमेंट में दिया है, और आपको करंट ईयर का प्री रिसीव भी दिया है और पिछले साल का भी प्री रिसीव दिया है, तो क्या करना है? चलिए, सबसे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ, और उसमें ये जो 98000 है वो लिख लेते हैं। ओके, देन इस 98000 में पहले तो मैंने लिख दिया, अब हमारा जो जो अभी तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो सबसे देखो, इसका सीरियल भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आप करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, जो आपको इधर दिखेगा, देखो 6000, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आपको तो पता है आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं करंट ईयर, एक तो मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद 104 हो गया, सेकेंड एंट्री में असेट में शो करूँगा। फिर आपको जाना है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, तो यही बता रहा हूँ मैं आज के लेक्चर में, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे और सेकेंड एंट्री भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है हम लेस करेंगे और सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे। ये हो गया 4000 माइनस करने के बाद 1 लाख, सेकेंड एंट्री नहीं होगा। देखो,
तो मेरा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ख़त्म हो गया। अब जरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव के बारे में देखते हैं। तो पहले वो जो लास्ट ईयर का प्री रिसीव है, देखो करंट ईयर प्री रिसीव हम लेस करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, और सेकेंड एंट्री भी करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर प्री रिसीव हम ऐड करेंगे और सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे। तो ये 3000 है, उसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया 1,03,000, सेकेंड एंट्री नहीं होगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है, और अभी ये जो 2000 है वो करंट ईयर का है, उसे मैं लेस करूँगा और आउटर में आ जाएगा 1,01,000। और ये क्योंकि प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है, जिससे मैंने आज का लेक्चर चालू किया कि प्री रिसीव हमारे लिए लाइबिलिटी होता है जब तक वो वक्त नहीं आता, इसलिए इस 2000 का सेकेंड एंट्री मैं पोस्ट करूँगा लाइबिलिटी में, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब चलो यही सब देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में किस तरह सॉल्व किया है। ये देखिए प्रॉब्लम ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है। नीचे देखिए आप, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 9000, करंट ईयर 10000, प्री रिसीव प्रीवियस ईयर 8000, करंट ईयर 6000। ये वर्किंग नोट आप देख लो, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दी है। सिर्फ एक बता दूँ, एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये जो रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दिया है दैट इज़ 1,03,000, वो 1,03,000 नहीं है, वो है 1,03,00,000। इवन आप टोटल भी करके देखोगे रिसिप्ट साइड का तो मैच नहीं होगा 1,03,00,000 लोगे तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उधर 1,03,00,000 है। वर्किंग नोट में बराबर लिया है देखो, बट रिसिप्ट में जो सब्सक्रिप्शन है 1,03,000 लिखा है वो गलत है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1,03,00,000 है वो। तो चलो अभी जो मैंने बताया वो इधर उन्होंने किया है कि नहीं देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन 1,03,00,000 पहले लिखा है, फिर देखिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नीचे आपको दिखेगा 10,000 है, उसे ऐड किया है, सेकेंड एंट्री असेट में लिखा है। देन हम जाते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 9000, उसे लेस किया है लेकिन कोई भी सेकेंड एंट्री पास नहीं किया है। ये हो गया आउटस्टैंडिंग के बारे में। अब प्री रिसीव देखते हैं, तो पिछले साल का जो प्री रिसीव है उसे ऐड किया है देखो 8000 को, और नो सेकेंड एंट्री। और उसके बाद में जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव है 6000, उसे लेस किया है, और उसका सेकेंड एंट्री भी आपको दिखेगा, वो सेकेंड एंट्री देखो लाइबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 6000। तो इस तरह देखिए बच्चों, ये जो मैंने आज आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टमेंट है, सबके सब एडजस्टमेंट मैंने आपको आज टेक्स्ट बुक का कटिंग प्रेजेंट करके एक्सप्लेन किया है। सो डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन माय वीडियो, आप इस वीडियो पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, और आप आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को एक बार देख भी सकते हो, ये सब प्रॉब्लम आपको उधर मिलेंगे। सिर्फ मेरा इतना सजेशन है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, फिर वो कौन सा भी एग्ज़ाम हो, अगर उस एग्ज़ाम में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी डर आपके मन में है वो निकल जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।